6,62,00,000 की लागत से गांधी हॉल की ऐतिहासिक इमारत का जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया। गांधी हॉल की इमारत की आंतरिक और बाहर जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है। गांधी हॉल में अब सिर्फ सांस्कृतिक और देशभक्ति के ही कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। इसकी शुरुआत 29 अगस्त रविवार से होने जा रही है। गांधी हॉल में पहला कार्यक्रम लोक संस्कृति मंच, नगर निगम और संगीत गुरुकुल के सहयोग से सांसद शंकर लालवानी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति का कार्यक्रम देश राग आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के बैंड के साथ ही विभिन्न गायक कलाकारों द्वारा 75 राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। आज सांसद शंकर लालवानी ने गांधी हॉल का दौरा किया। इस मौके पर नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, महेश शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सांसद ने बताया कि गांधी हॉल के बाहरी परिसर को भी जल्द ही सजाया और सवारा जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी हॉल को मूल स्वरूप में सजाया और सवारा गया है, इसमें किसी तरह की भी टूट फूट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम क्या आयोजित करने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार सरकार ने यह वर्ष अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही है और इस अमृत महोत्सव में पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलेंगे, उसी के अंतर्गत पहला कार्यक्रम गांधी हॉल में यह रखा गया है और इसमें लोक संस्कृति मंच, नगर निगम और जो गौतम काले की संस्था है गुरुपुरु, वो साथ में मिलकर कर रही है। और इस कार्यक्रम में शुरुआती दौर में जो हमारे बीएसएफ के जवान रहेंगे वो अपनी राष्ट्रीय धुन बजाएंगे और इसके साथ साथ बीएसएफ के जवान भी आ रहे हैं और वो अपने कुछ वेपन भी प्रदर्शित करेंगे लोगों के लिए, एक प्रदर्शनी भी लगाएंगे वेपन की। और इसके साथ साथ उसके बाद चूँकि 75 वर्ष है तो 75 गायकों द्वारा देशभक्ति के गीत तराने गाए जाएंगे और ये 75 मिनट कार्यक्रम चलेगा। कितने बजे कार्यक्रम है? कार्यक्रम का समय ठीक 6:30 बजे हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। शनिवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीटी से पहले शुक्रवार को चले हंगामे के बाद आखिरकार देवी अहिल्या विवि प्रबंधन ने निर्णय ले लिया है। इसके तहत ऐसे छात्र जिन्हें इंदौर से बाहर सेंटर मिले हैं और वो वहां परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें इंदौर में आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा में मौका दिया जाएगा। शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद शनिवार को एक बार फिर से NSUI के पदाधिकारियों ने कुलपति से मुलाकात की, जहां कुलपति रेणुका जैन ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली है। सीटी परीक्षा के लिए इंदौर से कई किलोमीटर दूर जाने की बजाय इंदौर के सेंटरों पर परीक्षा देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। कुलपति ने बताया कि जो परीक्षार्थी बाहर के सेंटर पर परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें इंदौर में आयोजित होने वाली दूसरी चरण की परीक्षा में मौका दिया जाएगा। इसके लिए छात्र 29 अगस्त दोपहर 3 बजे तक NTA को davv.nta.ac.in द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। खास बात यह है कि ऐसे छात्रों के आवेदन मिलने पर 31 अगस्त को आयोजित होने वाली पहले चरण की परीक्षा की पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। आवेदन नहीं करने वाले छात्रों के लिए 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा ही मान्य होगी। तो सबको देखते हुए हम लोगों ने NTA से बात की और उसके बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि अगर ज़रूरत होने पर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का दिया है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश, दे नहीं पा रहे हैं, उनको सेंटर चेंज करना अलाउड है और वो दूसरे उनके लिए दोबारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैम, बात अगर इंदौर की जाए तो इंदौर के कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इस परीक्षा में शामिल होंगे? इंदौर के लगभग टोटल, तो इंदौर में 10,000 लोगों का आवेदन है, इसमें से लगभग 4,000 लोगों को अन्य दूसरे शहरों में भेजा गया, तो अब उनको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि वे चाहें तो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, उनके लिए दूसरी परीक्षा के लिए दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी इंदौर में। उसकी डेट अलग से दी जाएगी। मैम, वो नई डेट कब तक के वजूद में आएगी और क्या कितने दिनों के लिए परीक्षा आगे बढ़ाई गई है? नहीं, ये वाली परीक्षा तो 31 को हो ही रही है, इसमें जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे किसी भी कारणवश सेंटर बदलने के कारण, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना होगा NTA को उनकी वेबसाइट पर, उसके बाद उनका ये वाला एग्जामिनेशन, मतलब ये वाली कैंडिडेचर या कहो कि पात्रता इस एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगी, फिर उनको एक दूसरी डेट अनाउंस, दूसरी डेट दी जाएगी, वो इंदौर में ही होगा। वो डेट कब तक आ सकती है? अब वो NTA बताएगी, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। जिन छात्रों को जैसे सेंटर चेंज करना है तो वो कब तक कर सकते हैं? मैम, वो 29 अगस्त तक, मतलब कल तक दोपहर 3 बजे तक वो कर सकते हैं।
मैम पूरा मामला लगभग निपट सा गया है, छात्र संगठनों ने मांग की लगभग मान ली थी गई है। मैम अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ छात्र जरूरत से ज़्यादा परेशान होकर आते हैं तो उनके लिए क्या कोई अलग से कोई मास्टर प्लान तैयार किया है? नहीं नहीं, कुछ भी अगर कुछ परेशानी है तो अपने एनटीए को लिखें, क्योंकि सारी चीज़ें एनटीए ही एग्ज़ाम ले रहा है। कोई उनका एक हेल्प डेस्क भी है जिस पर बच्चे अपनी अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकते। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने भोपाल ग्वालियर तक परीक्षा केंद्र बना दिए थे, जिसके बाद छात्र संगठनों द्वारा किए गए हंगामे के बाद कुलपति डॉ. रेणु जैन ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा केंद्र बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ। सिटी में शहर के 10,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, जिनमें से 4,000 को बाहर के सेंटर मिले हैं। पहली बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँ कि हमारी जो एग्जामिनेशन जो पहले से शेड्यूल्ड थी, 31 अगस्त को परीक्षा हो रही है, 31 को हमारी एग्जामिनेशन होगी। अभी हमने बच्चों को ये चॉइस दी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने इंदौर को एज ए परीक्षा सेंटर फर्स्ट चॉइस के रूप में ऑप्ट किया था और उनको इंदौर के स्थान पर किसी अन्य शहर में, भोपाल या अन्य किसी शहर में सेंटर दे दिया गया था, यदि वो बच्चे सेंटर बदलने के लिए इंदौर के लिए ही रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे बच्चे 29 तारीख तक एनटीए के ईमेल पर, जो हमने हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है, 29 तारीख को 3 बजे तक ईमेल कर सकेंगे। उनके आवेदन को मान्य करते हुए एनटीए की ओर से अन्य कोई तिथि दी जाएगी जिस पर हम इंदौर में ही उनकी परीक्षा आयोजित करेंगे। तो लगभग कैसे कितने विद्यार्थी होंगे? अनुमान तो 4 से 4,500 विद्यार्थी होंगे ऐसे।